सीबीआई के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पेशी, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर पूछताछ। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ रहे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की पेशी से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस से झड़प। आम आदमी पार्टी ने फिल्म पुष्पा के स्टाइल में जारी किया मुख्यमंत्री केजरीवाल का पोस्टर, लिखा केजरीवाल झुकेगा नहीं। दिल्ली बीजेपी ने भी जारी किया केजरीवाल का पोस्टर, शराब घोटाले को लेकर कसा तंज। सीबीआई के सामने पेशी से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी सफाई, का गलत नहीं किया तो क्या छिपाना। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कि जांच एजेंसियों को लेकर उठाया सवाल, का ये लोग किसी को भी जेल के अंदर डाल सकते हैं, किसी को भी, चाहे किसी ने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। केजरीवाल ने लगाया आरोप, कहा राष्ट्र विरोधी ताकतें देश की तरक्की नहीं चाहती। केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा क्या केजरीवाल को जेल में भेजने से देश की समस्या सुलझ जाएंगी। केजरीवाल ने सीबीआई दफ्तर जाने से पहले अपने विकास मॉडल की तारीफ की, कहा दिल्ली की तरक्की देखकर देश में जागी उम्मीद। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को बताया आधुनिक गांधी, राघव चड्ढा ने कहा केजरीवाल आज के जमाने के महात्मा गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से फोन पर बातचीत की, केजरीवाल बोले विपक्षी एकता से घबरा रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के भगवान मेरे साथ हैं वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा भगवान भक्त के साथ होता, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। केजरीवाल जी, भगवान हमेशा भक्त के साथ होता है, भगवान कभी भ्रष्ट के साथ नहीं होता। आप भक्त नहीं हैं, आप भ्रष्ट हैं, इसलिए भगवान आपके साथ नहीं है। प्रयागराज कांड को लेकर योगी सरकार सख्त, घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने डीजी, एडीजी और प्रमुख सचिव के साथ मीटिंग की। अतीक अशरफ कांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन, एहतियाती तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144। सभी जिलों के पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश, संवेदनशील जिलों में एडीजी और आईजी खुद कर रहे हैं गश्त। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, का हर 2 घंटे पर रिपोर्ट दें अधिकारी। मुख्यमंत्री योगी ने आज की सभी मीटिंग डाली मुख्यमंत्री आवास पर, किसी की भी आवाजाही पर रोक। प्रयागराज में हालात पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला, 5 IPS अधिकारी संभालेंगे मोर्चा। योगी ने मुख्यमंत्री आवास में अहम बैठक की, प्रयागराज के बदलते हालात को जानकारी दी। योगी के साथ बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के हर जिले की स्थिति से अवगत हुए मुख्यमंत्री। आज शाम डीजीपी पर देंगे जिलों की स्थिति की जानकारी।